दिल्ली में कथित शराब घोटाले के सियासत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर नए आरोप लगने लगे हैं। केजरीवाल के ऊपर सरकारी आवास की मरम्मत में कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जा रहा है। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए दावों पर विश्वास किया था, लेकिन आज दिल्ली की जनता खुद को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज दिल्ली स्तब्ध है। ये खुलासा साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता है। मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा है कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए? अब वैसे कंसल्टेंट कौन है यह भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस कंसल्टेंसी में। मगर आप सोचिए, मुझे लगता है उस कंसल्टेंट ने भी बड़ी मतलब दक्षता का परिचय दिया है कि 9,99,00,000 रुपए का उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यह किया जा सकता है। यह साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता है। बीजेपी के इन आरोपों पर आप नेता राघव चड्ढा ने पलटवार किया और कहा कि चौथी पास राजा को एक छोटे से सूबे के बहुत बड़े मुख्यमंत्री से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि सूबे के लोग अपने मुख्यमंत्री से बहुत खुश हैं। इस चौथी पास राजा को इस देश के एक छोटे से सूबे के एक छोटे से मुख्यमंत्री से डर भी बहुत लगता है। इस छोटे से सूबे के छोटे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, और उस मुख्यमंत्री से इस राजा को, चौथी पास राजा को बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने सूबे में खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी जनता खुश है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर आई है। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया।